नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिरपरिचित दोस्त हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। दोस्तों, आज हम अतिबला के फायदे के बारे में बात करेंगे। अतिबला प्रकृति का वो पौधा है जो शरीर को पुष्ट बनाता है और ताकत से भर देता है। अतिबला का एक पौधा होता है जो 3 से 4 फीट ऊंचा होता है और झाड़ीदार होता है। ये लगभग सारे भारतवर्ष में अपने आप उत्पन्न होता है। आयुर्वेद की प्रमुख ताकतवर औषधियों में से अतिबला एक है। दोस्तों, इसका क्षुप झाड़ीदार होता है। इसके पत्ते दिल के आकार के और अग्रभाग पर नुकीले होते हैं। इस पर पीले रंग के सुंदर पुष्प लगते हैं। पुष्प के बाद गोल आकार वाली एक फली लगती है जो ऊपर से कंदी की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका एक नाम कंदी है। अतिबला का हिंदी नाम चंपी और कंदी है। इसका संस्कृत नाम अतिबला और कंकतिका है। उर्दू में कंदी कहते हैं और गुजराती में खपाट तथा कांसकी से जानते हैं। अतिबला का अंग्रेजी नाम मून फ्लावर और वैज्ञानिक नाम एमुटिलोन एंडिकम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अतिबला बला की एक प्रजाति है। बला की कई जातियां पाई जाती है। इसमें भूमि बला, अतिबला, महाबला और नागबला मुख्य है। चारों बलाएँ गुणों में लगभग समान होती है और ये बल बढ़ाने वाली औषधि है। आयुर्वेद के मत अनुसार अतिबला स्वाद में मधुर, कड़वी, थोड़ी तिक्त और खट्टी होती है। ये शीतल प्रकृति की और पचने में हल्की तथा स्निग्ध होती है। ये औषधि वात पित्त को मिटाती है तथा बल बढ़ाती है, आयुष्य की वृद्धि करती है और पूरे शरीर का तेज बढ़ाती है। दोस्तों, अतिबला प्रमेह, कृमि, दाह, अत्यधिक तृष्णा, जहर, सर्दी और ज्वर का नाश करती है। इसकी जड़ का सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है और लंबे समय तक सेवन करने से पथरी टूटकर निकल जाती है और शरीर में बल बढ़ता है। खांसी की समस्या होने पर अतिबला के पुष्प का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ मिलाकर कुछ दिनों तक चाटते रहने से खांसी मिटती है। इसके अतिरिक्त अड़ूसा के पत्तों के साथ इसके बीजों को मिलाकर क्वाथ बनाएं और इसका लगातार 3 से 4 दिनों तक सेवन करने से भी खांसी जल्दी ही छूट जाती है। जिन लोगों को दस्त की समस्या है, इन लोगों को अतिबला के पत्तों का साक बनाकर घी के साथ सेवन करना चाहिए। इससे दस्त शीघ्र ही मिट जाता है। ये जड़ी बूटी अर्श और बवासीर में भी अत्यधिक फायदेमंद होती है। इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोजाना 10 से 20 मिली की मात्रा में सेवन करने से बवासीर में अत्यधिक फायदा होता है। ये जड़ी बूटी दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। दांतों की दर्द की समस्या होने पर इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर गरारा करें। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से मसूड़ों की सूजन उतर जाती है और दांतों का दर्द मिटता है और दांत मजबूत बनते हैं। ये जड़ी बूटी पीलिया और कामला को दूर करती है। इसके लिए इसके मूल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से पीलिया खत्म होता है। अतिबला किसी भी प्रकार की पथरी में बहुत फायदेमंद होती है। इसके पत्तों तथा मूल का क्वाथ बनाकर 20 से 30 मिली की मात्रा में रोजाना सेवन करने से पथरी मूत्र मार्ग से टूटकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये अतिबला मधुमेह यानी डायबिटीज में भी फायदेमंद होती है। इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ रोजाना सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में हो जाता है। इसके अलावा इसके बीजों का क्वाथ बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने इस जड़ी बूटी का नाम अतिबला रखा है। ये जड़ी बूटी शरीर में ताकत भर देती है। ये सभी प्रकार की कमजोरियों को मिटा देती है। इस जड़ी बूटी के मूल का चूर्ण या कल्क 2 से 3 ग्राम की मात्रा में या इसका रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ तथा असमान मात्रा में घी के साथ मिलाकर सुबह शाम 1 साल तक रोजाना सेवन करने से शरीर पुष्ट और ताकतवर बनता है। याददाश्त बढ़ती है और अनेक प्रकार के वीर्य विकार नष्ट होते हैं। दोस्तों, एक बात का ख्याल जरूर रखें। जिस प्रयोग में आपको घी के साथ शहद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, वहाँ घी और शहद असमान मात्रा में लेना चाहिए। यानी 1 चम्मच शहद तो 2 चम्मच घी होना चाहिए। और ध्यान रखें, शहद कभी गर्म करके न ले। गर्म किया हुआ शहद जहर के समान काम करता है, इसलिए कदापि इसका प्रयोग न करें।
और घी के साथ शहद समान मात्रा में कभी न लें। इसके पंचांग का क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिल की मात्रा में साथ में 1 ग्राम सौंठ मिलाकर सेवन करें। इससे सभी प्रकार के ज्वर में फायदा होता है।